सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कृषि दुनियादारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैंगो मिली बग, यानी आम का गुजिया या आम का चैंपा। इसको आम का दहिया कीट भी कहते हैं। दहिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूध जैसा सफेद कीट होता है जो आम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये ऐसा कीट है जो आम से आम के जो तने हैं, तने, फूल और फल, तीनों अवस्थाओं में ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें। इसका बॉटेनिकल नेम होता है ड्रोसिका मैगीफेरी। यह कीट विशेष रूप से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। इसकी मादा जो है वो पंख रहित होती है और इसका जो नर कीट होता है वो पंख युक्त होता है और छोटा होता है। इस कीट की निम्फ और प्रौढ़, ये दो अवस्थाएं ऐसी हैं जो फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इस कीट के सफेद कोमल मंद गति से चलने वाले निम्फ के बड़े बड़े झुंड जो आम की कोमल टहनियों और पुष्पक्रमों और उसके जो छोटे छोटे फल होते हैं उसमें चिपक कर उसका रस चूसते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आम की जो फसल है वो काफी कमजोर हो जाती है। वैसे तो इनका प्रकोप सबसे ज्यादा नवंबर और दिसंबर में देखने को मिलता है, लेकिन अगर सही समय पर इसका नियंत्रण न किया जाए तो ये कीट जो है वो पौधों में, उसकी टहनियों में फरवरी से लेकर मई तक चिपके रहते हैं, जो पूरी फसल को जो है बर्बाद कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण की। तो इसके नियंत्रण में हम निम्न उपाय करते हैं कि जैसे अगर उसके अंडों को नष्ट करना है तो अंडों को नष्ट करने के लिए मई जून के आसपास आम के पेड़ के आसपास थाले में गुड़ाई करते हैं और गुड़ाई करने के साथ साथ उसमें 10% एड्रिल या मेलाथियन 300 से 400 ग्राम के आसपास उसमें मिला देते हैं, जिससे अंडे नष्ट हो जाते हैं। वहीं कीटों को पेड़ पर चढ़ने से रोकने के लिए नवंबर दिसंबर के आसपास 400 गेज की 20 सेंटीमीटर पॉलीथीन उसके तने में लपेट देते हैं, जिससे जो कीट है वो पेड़ों पर नहीं चढ़ पाते हैं। यदि आपको पॉलीथीन नहीं लपेटना है तो इसके अलावा इसमें पॉलीथीन की जगह पोस्टिको या इसो ग्रीस का लेप भी लगा सकते हैं। यदि फिर भी इस कीट का नियंत्रण नहीं होता है तो 0.05% मोनोक्रोटोफास का छिड़काव करें। यदि आप किसी भी रसायन का छिड़काव नहीं करना चाहते हैं तो इसका जैविक नियंत्रण भी संभव है। जैविक नियंत्रण के लिए 0.75% कृत्रिम लहसुन का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा केबी बायो का मिलीरेज 1.5 से 2 ml पर लीटर में मिलाकर इसका छिड़काव कर देते हैं तो मिली बग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। मिली रेज जो है 48 घंटे में इसका नियंत्रण करने की क्षमता जो है वो रखता है। तो साथियों, ऐसे ही फसलों से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो रोग हैं, उनसे संबंधित जानकारी हम आप लोगों तक आसानी से प्रेषित करते रहेंगे, जिसके लिए आप जो है हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक आसानी से मिलते रहें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और भी आपकी जो समस्याएं हैं वो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आप तक, आपकी हर समस्या का निदान आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।